अहमदाबाद गुजरात राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक व औद्योगिक शहर है। साबरमती नदी के किनारे बसे हुए गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात का यह जिला अपने कपड़ा उद्योग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इस जिले को पूर्व में कर्णावती व असावल के नाम से भी जाना जाता था। सन 1970 से पहले अहमदाबाद ही वह जिला है जो गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अहमदाबाद में स्थित अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक है, जो लगभग 110 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। अहमदाबाद जिला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 27 किलोमीटर व भारत की राजधानी दिल्ली से 893 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जिला कई पड़ोसी जिलों की सीमा से सटा हुआ है। इसके उत्तर में महेसाना, साबरकांठा व गांधीनगर जिला, दक्षिण में खांबा, पूर्व में खेरा जिला व पश्चिम में सुरेंद्रनगर जिला स्थित है। लगभग 8087 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए अहमदाबाद जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 70 लाख से ऊपर थी। अहमदाबाद आबादी के लिहाज से गुजरात का पहला व भारत का पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। जिले की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 890 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अहमदाबाद जिला कुल 9 तालुकाओं में बटा हुआ है। ढोलका, डसकोराई, डेट्रोज, सानंद, बावला, विरामगम, मांडल, धंधुका, धोरेला। धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो अहमदाबाद जिले में 83.76% हिंदू, 12.5% मुसलमान, 2.90% जैन व 0.8% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। अहमदाबाद जिले की साक्षरता दर लगभग 85% है, जिससे यह पता चलता है कि यह जिला पढ़ाई की ओर अग्रसर है। अहमदाबाद जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग, कृषि व अन्य उद्योगों पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलों में कपास, मूंगफली, तंबाकू, गेहूं, धान व बाजरा है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस शहर की स्थापना 1411 में गुजरात सल्तनत की राजधानी के रूप में अहमद शाह ने की थी। 1411 से 1573 तक अहमदाबाद इस सल्तनत की राजधानी के रूप में बना रहा। इसके बाद सन 1960 में इस जिले को गुजरात की राजधानी बनाया गया, जो 1970 तक बना रहा। उसके बाद गुजरात की राजधानी को बदलकर गांधीनगर कर दिया गया। अहमदाबाद जिले में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गुजराती, इंग्लिश व हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अहमदाबाद इंटरनेशनल स्कूल, HB कपाड़िया न्यू हाई स्कूल, लोटस स्कूल, महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, HL कॉलेज, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, LD ऑल्ट कॉलेज, श्री पी पटेल ऑल्ट कॉलेज आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। अहमदाबाद जिला अपने खान पान व लजीज व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ इंदुबेन का खाकरा, अंबिका का दाल वड़ा, अर्पित की रगड़ा पेटीज, बेरा का कीमा समोसा, असरफी की कुल्फी, ओसवाल की फाफड़ा जलेबी व नौरंगपुर का ढोकला पूरे अहमदाबाद में मशहूर है। आवागमन के दृष्टिकोण से अहमदाबाद जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग व वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, यहाँ का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जिसे कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेलवे स्टेशन गुजरात व पश्चिमी रेलवे के रेलवे स्टेशन का केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ से कई रेलवे लाइन जुड़ी हुई हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक मेट्रो भी स्थित है जो अभी निर्माणाधीन है। सड़क मार्ग, अहमदाबाद देश के कई प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग के द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 होकर गुजरता है, जो इसे दिल्ली व मुंबई से जोड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 147 अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ता है। बस सेवा, 1 अप्रैल 1947 को शुरू गई अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा, जो अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित है। अहमदाबाद के हर हिस्से को कवर करती हुई लगभग 800 से भी अधिक बसें यहां पर नियमित तौर पर चलती हैं। वायु मार्ग, यहां का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नियमित तौर पर घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने प्रदान करता है। अहमदाबाद में स्थित यह हवाई अड्डा गुजरात का पहला व भारत का सातवां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसके अलावा धुरेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का प्रस्तावित हवाई अड्डा है, जो 7500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। जल विमान, भारत में पहली सी प्लेन सेवा 1 अक्टूबर 2020 को अहमदाबाद से स्टेचू ऑफ लिबर्टी केवाड़िया के बीच शुरू की गई थी, जो प्रतिदिन 2 गंतव्यों के बीच 4 यात्राएं प्रदान करता है। अहमदाबाद जिला अपनी खूबसूरती व पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हर साल लाखों लोग इस शहर की खूबसूरती व पर्यटक स्थलों को देखने आते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना अहमदाबाद का भ्रमण अधूरा है। साबरमती आश्रम,
यह आश्रम महात्मा गांधी का घर हुआ करता था, क्योंकि नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा यहीं से की गई थी। अब इस आश्रम को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां गांधी जी के पत्र व फोटोग्राफ मौजूद हैं। इस आश्रम को देखने व घूमने के लिए देश विदेश से काफी मात्रा में लोग आते हैं। कांकड़िया झील, यह झील अहमदाबाद की सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, उसके बाद इसका पुनः नवीनीकरण सन 2008 में करवाया गया। यहाँ पर बच्चों के घूमने के लिए फन पार्क, टॉय ट्रेन, बोटिंग व चिड़ियाघर भी मौजूद है। यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल संग्रहालय, यह संग्रहालय अहमदाबाद के शाही बाग में स्थित मोती शाही महल के परिसर में स्थापित है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। खूबसूरत बगीचे से घिरे इस संग्रहालय में भारतीय राष्ट्र आंदोलन की कई तस्वीरें व वस्तुएं मौजूद हैं। भद्र किला, भद्र किला अहमदाबाद में स्थित सबसे सुंदर व विशाल किला है। हरी भरी हरियाली के बीच स्थित यह किला 44 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले की जटिल नक्काशी व जाली के डिजाइन पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। इस्कॉन टेम्पल, इस टेम्पल को हरे कृष्णा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शांति और सुकून से भरे वातावरण में स्थित यह मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। साबरमती रिवर फ्रंट, साबरमती नदी के तट पर स्थित रिवर फ्रंट का निर्माण नदी के विकास व पर्यावरण के सुधार के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ पर स्थित सुंदर पार्क व प्लाजा इसे प्रमुख पर्यटक स्थल बनाते हैं। सिद्दी सैयद मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1973 में हुआ था। यह मस्जिद अहमदाबाद की सबसे प्रसिद्ध व खूबसूरत मस्जिद है। यह मस्जिद अपनी बनावट व जालीदार खिड़कियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस शानदार मस्जिद का निर्माण मुगल सेनापति बिलाल झज्जर खान के रिटायर्ड फौजी सिद्दी सैयद करवाया था। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, अहमदाबाद के कालूपुर में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो 1822 में स्वामी नारायण के निर्देशों पर बनवाया गया था। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर, वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम, लोथर, वस्त्रपुर झील, परियर गार्डन, गुजरात साइंस सिटी, पतंग संग्रहालय आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय व ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।